भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी की अध्यक्षता में जिला इकाई की बैठक बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, संत प्रसाद, शीतल पांडे, पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में लोकसभा 2019 के चुनाव की तैयारी, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करने, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य सुचारू ढंग से पूर्ण कराने तथा केंद्र तथा प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मंडल अध्यक्ष बूथ स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर लें तथा कार्यकर्ताओं को संगठित कर लें, जिससे 2019 की लोकसभा चुनाव को भारी बहुमत से जीता जा सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला ने कहा, अतिथिगण से निवेदन है अध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आज 16 सितंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल काव्यांजलि का कार्यक्रम संपन्न कराए। वहीं दूसरी ओर 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अटल कार्यांजलि के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके अंतर्गत स्थान स्थान पर स्वास्थ्य शिविर और 22, 23, 24, 25 में आगे कैंप के आयोजन हैं। अभी तो अपनी बूथ समितियों के सत्यापन का कार्य पूरा करना है। कुछ ऐसे मंडल अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपना 100% कार्य पूरा किया है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लगभग कगार पर हैं पूरा करने वाले, और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कम काम हुआ है जो मंडल ऐसे भी। तो अभी जब कृत निवेदन होगा पूरा विषय आएगा, लेकिन मैं 3 मंडल अध्यक्षों को जानता हूँ जिन्होंने अपना 100% कार्य पूरा किया है। नेतृत्व ने जो काम सौंपा है माननीय महेंद्रनाथ पांडे, पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह ने जो 2019 का लक्ष्य तय किया है, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, हमारे विधायकों की अगुवाई में जो भी कार्य होगा संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ प्राणपण से जुट के पूरा करूँगा, और इसके लिए नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को जो अवसर दिया है मैं नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मतदाता पुनरीक्षण का काम चलना सभी कार्यकर्ता ठीक प्रकार से लगेंगे, जो मतदाता नहीं बन पाए उनको बनाने का काम करेंगे, और 19 में शानदार विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी।